एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इण्डियाले गरिरहेको प्रयास सफल भए यसै वर्षको अन्तसम्ममा पाकिमबाट विभिन्न क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन हुनेछ। दिल्ली र कोलकाता बाहेक हैदराबाद, बेंगलोर र गुवाहाटीको सेवा चाँडै सञ्चालन गर्ने तयारी चलिरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका रूपमा भूटानको ड्रुक एयर र नेपालको बुद्ध एयरलाइनले पनि पाकिममा सेवा सुरु गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इण्डियाको पाकिमका निदेशक सञ्जीव कुमार सिंहले जानकारी दिएका छन्। दिनमा लगभग 100 विमान सेवा सञ्चालन हुने वाराणसी एयरपोर्टमा निदेशकको अनुभव रहेका सञ्जीव कुमार सिंहले गत मई महिनादेखि पाकिम एयरपोर्टमा निदेशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। लगातार बाधित हुने गरेको पाकिमको विमान सेवा सुचारू र नियमित गराउन विभिन्न विमान सेवा प्रदाता कम्पनीसँग पहल भइरहेको सोमबार उनले मीडियालाई जानकारी दिए। निदेशक सिंहका अनुसार सबै कुरा सामान्य रह्यो भने अक्टोबर महिनाको दोस्रो सप्ताहदेखि पाकिम एयरपोर्टबाट पुनः हवाई सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि इन्डिगो कम्पनीले तयारी गरिरहेको छ भने पाकिम एयरपोर्टबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि इन्डिगोले मागेको आवश्यक डाटा प्राधिकरणले सिक्किम सरकारको पर्यटन विभागको पक्षबाट कम्पनीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। सम्बन्धित डाटा समीक्षा गरेपछि इन्डिगोले अहिले व्यावसायिक पक्षको जाँच गरिरहेको र पाकिमबाट कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद र बेंगलोरमा सेवा सञ्चालन गराउन एउटा प्रस्ताव एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इण्डियाको पक्षबाट इन्डिगोलाई दिएको निर्देशक सिंहले जानकारी दिएका छन्। यसबाहेक इन्डिगोलाई पाकिमदेखि काठमाडौँ विमान सेवा सञ्चालनको पनि सुझाव दिएको छ। अर्कोतिर पाकिम एयरपोर्टबाट फेरी सर्भिस सञ्चालनका ब्लेड एयरलाई प्रस्ताव दिएको र आवश्यकता परेको खण्डमा चार्टर सेवा उपलब्ध गराउने पहल पनि भइरहेको छ। पाकिमबाट बागडोग्राका लागि हुने फेरी सर्भिसका लागि एयरपोर्ट अथोरिटीले सिक्किम सरकारमा एउटा प्रस्ताव दिएको जो विचाराधीन रहेको निर्देशक सिंहले जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सेवा अन्तर्गत पाकिमबाट नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि बुद्ध एयरवेले जुलाईमा नै सर्वेक्षण गरिसकेको छ भने नोभेम्बर महिनाभित्र जेट विङ्सले पाकिम गुवाहाटी सेवा सुरु गर्न सक्नेछ। पाकिमबाट भूटान सेवा सञ्चालनका लागि एयरपोर्ट अथोरिटीले ड्रुक एयरलाई पत्रचार गरेको छ र सेवा सुरु हुन्छ भन्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। पाकिम एयरपोर्टमा विमान सेवा सञ्चालन गरिरहेको स्पाइसजेटको उडान लामो समयदेखि स्थगित रहे पनि यो रद्द गरिएको छैन। मौसमको प्रतिकूलता बताएर स्पाइसजेटले सेवा अनियमित गरेको छ, तर पाकिम एयरपोर्टमा विमान सेवा सञ्चालनका लागि मौसमको समस्या नरहेको एयरपोर्ट अथोरिटीका निर्देशकले बताएका छन्। पाकिममा हवाई सेवा विस्तार गर्ने प्रयासबीच रनवे बढोत्तरीको कुनै प्रस्ताव नरहेको तर भत्किँदै गरेको एयरपोर्ट सुरक्षा पर्खालको कामका लागि पहल सुरु भइसकेको बताइएको छ। अभी स्पाइस जेट के अलावा इंडिगो ने यहाँ से काफ़ी डाटा मांगा है हमसे और वो डाटा उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। इवन स्टेट गवर्नमेंट से के मेट डिपार्टमेंट से उन्होंने यहाँ मौसम के बारे में था मांगा था, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके वो डाटा भी प्रोवाइड कर दिया है। और वो डाटा का एनालिसिस करने के बाद अभी डाटा एनालिसिस के बाद वो कमर्शियल वायबिलिटी का फैक्टर वो देख रहे हैं कि किस सेक्टर पर चलाने से उनको यहाँ से कमर्शियल वायबल होगा। और वो सेक्टर में जो हम अब लोग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सजेस्ट किया है वो यहाँ से कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद सेक्टर का प्रपोजल उनको दिया है। इवन आज जो आज जो बात हुई है इंडिगो से उसमें हमने पेक्यांग टू काठमांडू सेक्टर भी कमर्शली वायबल सेक्टर है और उसका भी दिया है। तो उसके लिए वो यहाँ की कंडीशन के हिसाब से जो रनवे वो है उसके पेलोड कंडीशन में कितने पैसेंजर को ला सकते हैं उसकी स्टडी करने के बाद वो यहाँ आने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लेड एविएशन है जो बागडोगरा से यहाँ पेक्यांग को फेरी फ्लाइट के 24 सीटर एयरक्राफ्ट से जोड़ने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रपोजल दिया हुआ है जो अभी पेंडिंग है, उसमें फेयर को लेकर कुछ अभी। बुद्धा एयर ऑलरेडी जुलाई में सर्वे कर चुका है और वो आगे के जो एनालिसिस हैं वो तैयार करके शीघ्र ही वो क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेगा। इसके अलावा जेट विंग जो आरसीएस के अंतर्गत
ऑलरेडी पेक्यांग टू गुवाहाटी सेक्टर उसको अलाटेड है, वो नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में यहाँ से गुवाहाटी के लिए शुरू करेगा। इसके अलावा ड्रू केयर को एक लेटर लिखा गया है, ड्रू केयर को यहाँ भूटान से पेक्यांग को जोड़ने के लिए, पहले भी यहाँ से फ्लाइट चलती थी ड्रू केयर की, तो वो उनके भी यहाँ आने की शीघ्र संभावना है। यहाँ पे जो एयरलाइंस जैसे स्पाइस जेट है वो मौसम का वो देखे कि बहाना देके वो रोक दिया था। यहाँ पे जो हमने स्टडी किया कि मौसम का उतना इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मौसम बीच बीच में थोड़ा ख़राब होता है, बट अदरवाइज ये यहाँ पे जो विंडो खुलता है उसमें वो आ सकता है, वो एयरलाइंस ही बता सकता है कि वो क्यों यहाँ पे नहीं आ सकता। रनवे हमारा हर महीने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से चेक होता है और वो रनवे वो की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और उसका सर्टिफिकेट इशू होता है, तो इसलिए रनवे पूरी तरह सेफ़ है और यहाँ पे ऑलरेडी फ्लाइट डिफेंस की फ़्लाइटें लैंड करती हैं। अगर रनवे खराब रहता तो वो फ्लाइट नहीं लैंड करती यहाँ पे। तो हेली सर्विस को लेकर भी कुछ प्रपोजल है? हाँ, हेली सर्विस को लेके एक उत्तराखंड की एजेंसी है, हेलीकॉप्टर एजेंसी, वो यहाँ पे अप्रोच कर रही है, तो वो भी बागडोगरा को पेक्यांग से फेरी फ्लाइट के थ्रू अटैच करने के प्रयास कर रहा है। सर, ये रनवे को बढ़ाने का कोई प्रपोजल है? रनवे को बढ़ाने का प्रपोजल नहीं है, रनवे का जो साइड वाला एरिया है वो चौड़ा किया जा रहा है और वो एक भारत कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसमें लगी हुई है। यहाँ पे जो आरी वाल जो है उसके लिए चार एजेंसी दिल्ली से आई है, टेरी आर्मी EPIL एजेंसी है और भारत कंस्ट्रक्शन और गैबियन कंपनी है, वो सारे लगे हुए हैं। हम इन पे ही डिपेंड नहीं हैं, ये जो हमें सजेस्ट करेंगे उसके जो परमानेंट सोल्यूशन ये बताएंगे उसकी हम वेटिंग करवाएंगे IIT गुवाहाटी से, और IIT गुवाहाटी अगर उसको अप्रूव करेगा तो वो डिज़ाइन हम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि भविष्य में ये संभावना पूरी तरह ख़त्म हो जाए। सर, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से फ्लाइट चले? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये जो कैलकुलेशन है इसमें डिफरेंस करने से कैलकुलेशन के बाद हम सोच रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक इंडिगो को आना चाहिए। स्पाइस जेट का अभी तो चल रहा था, स्पाइस जेट को लिखा गया है लेटर, जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे वो उसमें।